नमस्कार, आप देख रहे हैं सांगो न्यूज़। मैं हूं रवि राठौर। झारखंड में एक युवक की हत्या और देश में आए दिन हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं के विरोध में शुक्रवार को वक्त कमेटी सांगोद की ओर से जुलूस निकालकर एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में सेक्टर की बड़ी संख्या में मुस्लिम जनों ने शिरकत की और देश में बढ़ रही घटनाओं के विरोध में राष्ट्रपति के नाम एसडीएम कमल सिंह यादव को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पूर्व कस्बे समेत आसपास के गांवों के बड़ी तादाद में मुस्लिम जन मस्जिद परिसर में एकत्रित हुए। यहां से सभी जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए पुराना बाजार गांधी चौराहा होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर वक्त कमेटी सदर साबिर बेग, पूर्व पार्षद मिर्जा शकील अहमद, असरार अहमद, सावेद अंसारी, जलालुद्दीन अंसारी, जिशान मिर्जा, नासिर खान समेत कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश में लगातार ऐसी घटनाओं में इजाफा हो रहा है। दोषियों पर सख्ती से कार्रवाई नहीं होने से घटनाओं पर अंकुश लगने के बजाय इन पर बढ़ोतरी हो रही है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सख्त कानून बनाने के साथ ही सख्ती से कार्रवाई की जरूरत है। बोलना चाहिए कि फजल वाली ने कभी ना कभी कभी भी इतिहास गवाह है, ना कभी उन्होंने जुल्म के खिलाफ, उन्होंने जो रावण की लंका को तहस किया था वो इतिहास गवाह है। उन्होंने कभी मजलूम नियत्ते पर हनुमान जी ने कभी वार नहीं किया था। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए सांगो न्यूज का यूट्यूब चैनल, साथ ही लाइक कीजिए सांगो न्यूज का फेसबुक पेज, साथ ही प्ले स्टोर से हमारी एंड्रॉयड ऐप जरूर डाउनलोड करें, जिससे हर एक खबर आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।